अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मेरा एस्पैरिगस फर्न का प्लांट है और बहुत मुझे तो बहुत ही पसंद है प्लांट, इसलिए कि बास प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते रहते हैं और छोटे से पॉट में, बड़े पॉट में, सब में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। ये जो मेरे दोनों प्लांट्स हैं ये 6-6 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और आप ये देखें, बहुत अच्छी ग्रोथ तो आप नहीं कहेंगे इनकी, लेकिन आप यकीन जानिए मुझे कुछ भी इनके लिए करना नहीं पड़ता है और सिर्फ पानी डलता है और ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र। 15 डेज में भी बाज़ औक़ात उसमें फर्टिलाइज़र डलता है, बाज़ औक़ात ये बेचारे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कि इनकी ग्रोथ होती रहती है। यानी ये कि ये ऐसा प्लांट है और वो भी बिगनर्स के लिए, जिन्होंने नए नए लगाया है, लगाना मतलब इन्होंने स्टार्ट किया है, जिनको शौक हुआ है, तो उनके लिए ये प्लांट बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। अच्छा, ये प्लांट मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता, वो भी गर्मियों की, बहुत ज़्यादा देर की, इसलिए कि सर्दियों में तो इसको मैंने रखा मतलब धूप में, तो उसमें ये इसके जो नए लीव्स निकले ना, ये सर्दियों में धूप में रखने से निकले, लेकिन सर्दियों में मैंने देखा कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती है। हो सकता है आप लोग, कुछ लोग इसमें इस बात से इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन देखिए मैं जो आपको बताती हूँ मैं अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे यहाँ तो देखें ये इस तरह से रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। अब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होगी तो आपको दिखाऊंगी कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि इसको मैं बहुत ज़्यादा देर डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखूँगी, बल्कि मैं ऐसी जगह रखूँगी नेट के नीचे, जहाँ पर हल्की हल्की सी सनलाइट भी इसको पार्शली थोड़ी देर के लिए मिलेगी और फिर आप देखिएगा ये कितनी चीज़ें ग्रो करेंगे। ये प्लांट देखिए आप, मैं आपको दिखाऊं बल्ब के ज़रिए, बहुत आसानी से लगता है। ये देखिए इसमें ये बल्ब है सारे और बहुत जल्दी इसके अंदर जो है रूट बाउंडिंग होती है, और ये मेरे दोनों प्लांट मेरा ख्याल है इसमें रूट बाउंडिंग हो चुकी है। और अब मुझे इसको बड़े पॉट में, अच्छे बड़े पॉट में इसको लगाएं और अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल लें और अच्छा इसको फर्टिलाइज़ करें, तो ये बहुत ही बड़े हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। और अब मैं इंशाल्लाह इनको बड़े पॉट में लगाऊंगी, इसलिए कि मेरे पास 2-3, देखिए एक तो ये है ना, एक ये है, एक ये है, एक छोटा सा मैंने पॉट प्लांट लिया था और उससे देखें ये होते चले जाने। हालांकि दूसरे प्लांट ज़्यादा मैं केयर कर लेती हूँ, ये थोड़ा इग्नोर हो जाता है, लेकिन आप देखिए फिर भी इसकी इतना इग्नोर नहीं होता, लेकिन फिर भी इग्नोर हो ही जाता है। तो आप देखिए ये मैंने लगाया था, ये भी लग गया है, एक दो जगह और भी लग गया है। अच्छा, ये जो प्लांट है ना ये बेल की शक्ल में नहीं जाते, एक होती है वाइन की शक्ल में भी होती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इसकी मिट्टी, ये जो मेरे पास है इसको मैंने समझिए, इसमें जो मिट्टी ली थी मैंने, ये आम मिट्टी ली थी मैंने, कोई इसके अंदर ख़ास कहें कि इतने परसेंट ये इतने परसेंट वो, बस नॉर्मली जो मैंने मिट्टी ली अपने घर की, जो सॉइल एक पॉट से निकली, 2-3 पॉट से जमा हो गई थी, तो वो ली मैंने, उसके अंदर मैंने कॉम्पोस्ट डाल दिया, थोड़ी सी गोबर की खाद डाली, समझिए इक्वल क्वान्टिटी होगी तीनों की मिला के, और मैंने गमलों में डाल दी थी। और इसको भी लगे हुए, इस प्लांट को लगे, दोनों को, तीनों को लगे हुए, पहले ये जब मैंने लिया था मुझे, ये वाले प्लांट को तो कई साल हो गए हैं, इसको लगे हुए 1 साल हुआ है और इसको लगे हुए भी मेरे ख्याल है इसमें से एक निकाल के मैंने लगाया था, 1 साल हो गया होगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है और इसको हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखें ना तो ये बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये तो मैं आप शिफ्ट करूँगी, आपको बताऊँगी, और कोई कीड़े वगैरह भी इस पर नहीं लगते, अगर लगे तो वही नियम ऑयल आप लीजिए, आप इसके ऊपर अपने घर के बने हुए इंसेक्टिसाइड तो आप हर 15 डेज़ बाद आप ज़रूर डाल दिया कीजिए, जो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आप घर में बनाएं, तो इस पर करते रहते हैं ना तो फिर कीड़े नहीं लगते, कीड़े लगने के बाद फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे अच्छा है ना पहले हम स्प्रे कर लीजिए कर लें। और आपको दिखाती हूँ, ये तो चलिए आप पॉट में, ये बेल की शक्ल में नहीं बढ़ता है, लेकिन आपको मैं स्पेशली दिखाऊँ, और मैंने वीडियो भी इसीलिए बनाई थी कि मैं दिखाऊँ बहुत से लोगों की एस्पैरेगस जो वाइन है, फर्न वाइन, ये ख़राब हो गई है, तो सब परेशान है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये देखिए मेरी कितनी बड़ी थी, आपने मेरी पिछली वीडियोज़ अगर देखे तो आपको अंदाज़ा हो कि ये मेलाबेल स्पिनच के साथ बहुत खूबसूरत इसके लीव्स से बढ़ते जाए थे। अब देखिए आपको अंदाज़ा होगा ये कहाँ से कहाँ गई थी, और ये सारी ब्रांच सूख गई है, और इस वजह से भी सूखी है कि जब मौसम चेंज होता है और जब गर्मियाँ दोबारा से आती हैं, सर्दियों में ये सूखनी शुरू हुई और पूरी सर्दियाँ ये सूखती चली गई। हालांकि मैं वैसे ही पानी डालती रही और एक के बाद एक लीव भी कट करती रही मैं इसकी, लेकिन वो सूखती गई, ब्रांचेस कट करती गई। और उसके बाद आपको दिखाऊँ, देखिए एक जो ये 6 इंच के पॉट में लगाए और एक ये 4 इंच के पॉट में लगाए, और आप देखिए इसमें से एक हमेशा की तरह एक ज़बरदस्त सी इसमें से एक ब्रांच निकलती है हमेशा नीचे से। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बैठ के, ये देखिए ये वाली ब्रांच, ये जो ब्रांच है ना देखिए, ये
चार साल से मेरे पास, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी देखेंगे चार ब्रांचेज हैं, ये तीन साल से चौथा साल अब शुरू हो गया। ये देखिए एक दो तीन, हर दफ़ा इसकी एक ब्रांच निकलती है। अब देखिए इस दफ़ा ये वाली ब्रांच निकली है, ये ब्रांच यहाँ से गई है। और इसकी भी साथ ही दिखा दूँ मैं आप, ही देखिए ये मदर प्लांट है, इसकी ये पाँचवीं ब्रांच निकली है। देख रहे हैं आप, एक दो तीन चार और ये पाँचवीं है, और इसके तीन है। पहले मैंने ये लगाया, इसी में से निकाल के मैंने ये लगाया था। तो आप देखिए इसकी अब ये ब्रांच निकली है, ये वाली, ये जो है ना तो ब्लैक सी हो रही है ना, देख रहे हैं आप, ये अभी नई ब्रांच निकली है। और इसमें ये वाली ब्रांच जो है कहाँ गई, ये वाली नई निकली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए कैसे जा रही है। ये बड़ा यूनिक स्टाइल है मिस पैरिगस फर्न की वाइन का, कि ये एक वाइन जा रही है और ये होते हुए देखिए, और इतनी तेज़ी में बड़ी होती है कि आप हैरान रह जाएँ। आनन फानन में ये बड़ी होती है, और ये होती हुई देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसने जाके ये ऊपर लपेट लिया है, आप देख रहे हैं, इसने जाके खुद ही, ये मैंने नहीं किया, मैं तो कर भी नहीं सकती इतने ऊपर जाके, ये देखिए इसे लपेट लिया है। और इसी के साथ ये दूसरी जो निकली थी ना यहाँ से, वो भी यहाँ से मुड़ती हुई आई है, वो भी इसी के साथ। देखिए ये दो गई, ये दोनों मुड़ती हुई गई हैं, एक ये और एक ये, दोनों मुड़ती हुई गई हैं, और दोनों खुद ही खुद जाके एक साथ जाके ऊपर ऊपर चली गई हैं। और अब आपको दिखाऊँ कि आप कहेंगे ये तो खाली डंडियाँ सी हैं, तो जनाब इसमें लीव भी निकलते हैं। अच्छा, ये जो इसके जो कांटे होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, काफ़ी ख़तरनाक से होते हैं। अभी तो फिर भी नरम से हैं, थोड़े इतने सख्त से हो जाएंगे। ये देखिए, बल्कि ये सख्त तो होते ही हैं, लेकिन अभी बताऊँगी आपको। देखिए ये इसीलिए इसके साथ ही ये निकल रहे हैं इसके लीव्स, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये निकली है लीव्स। ये भी थोड़े सख्त हैं, लेकिन बाद में ये बिल्कुल, ये लीव्स जो है, ये ब्रांचेज हैं, ये लीव्स की शक्ल में लंबी लंबी हो जाएंगी, और इसमें जो है वो लीव्स निकल आएंगे। देखिए एक ये निकली है, देखिए एक ये निकली है, इस तरह ये निकलती चली जा रही है। और फिर थोड़े दिनों बाद मैं आपको नीचे का भी दिखाऊंगी, ये सारे इनमें लीव्स निकल आएंगे। और ये पुरानी ब्रांचेज जो होंगी ये मैं कट कर दूंगी, तो जिन लोगों के ये ब्रांचेज सूख गई हैं वो उसको देख के कट कीजिए। अभी खटाखट कट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जहाँ से लगे कि बिल्कुल सूख गई हैं वहाँ कट कर लें, वरना हो सकता है इनमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ब्रांच निकल आए। तो इस तरीके से जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मियों के प्लांट दोबारा से ज़िंदा होना शुरू हो जाते हैं, और जो सूख गए होते हैं उनमें ब्रांचेज निकलनी शुरू हो जाती है। इसी तरह की मेरा जो मेलेबल स्पिनेच है, उसकी पूरी वाइन तकरीबन सूख गई है, ग्रीन वाली भी बहुत सूख गई, दूसरी वाली भी, लेकिन अब देखिए इसमें भी ब्रांचेज निकलनी शुरू हो गई हैं। देख रहे हैं आप, ये देखिए ये मेलेबल स्पिनेच की ब्रांच है, पूरा प्लांट ऊपर से नीचे गिर गया था, और अब ये तो हमें अब करना ये है कि हमें इस, मैं अब सोच भी रही हूँ कि पहले सोचा मैंने कि मैं निकालूँ, लेकिन मैंने कहा इतना अच्छा इसे मैं ग्रो कर रहा है। आप देखिए कितने छोटे से पॉट में, तो जो लोग कहते हैं कि जगह नहीं है, तो छोटे छोटे पॉट्स में भी प्लांट को सिर्फ आपने केयर करनी होती है पानी की, वक्त पे उनको पानी दीजिए, वक्त पे उनको फर्टिलाइज़ कीजिए, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप मेरा ही देख सकते हैं कि 6 और 8 इंच का पॉट कितना छोटा होता है, और आप उसमें देखिए जब ये वाइन पूरी लग जाएगी तो मैं बड़ी हो जा, मतलब पूरी ग्रीन हो जाएगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और आप पिछली मेरी वीडियोस में देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये वाइन होती है, और इसमें सीड बने, और सीड से मैं ग्रो करके देखूँगी। मैंने कभी सीड से ग्रो किया नहीं है, ये दिखाती हूँ आपको। मैंने एक सीड अब रह गया है, बाकी सीड मैंने तोड़ लिए हैं। ये देखिए ग्रीन रंग का दिख रहा है आपको, ये सीड है, तो मैं इस चक्कर में देखिए सीड इसी पक जाए तो मैं तोड़ूँ, लेकिन वो सीड गिर जाते हैं। एक तो मैंने कुछ सीड तोड़ लिए हैं, कुछ अभी इसमें एक ही छोड़ दिया है, एक ये भी देखिए है सीड, तो अब सीड से भी लगा के देखूँगी। लेकिन सीड ज़रा से थोड़े से कुछ बड़े तो हों, अभी ग्रीन ग्रीन से मेरे ख्याल कच्चे हैं, तो इस तरह से इसके सीड भी निकलने शुरू हो जाते हैं, एक ये भी है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं, बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनके जो है ये एस्पैरिगस फर्न सूख रहे हैं, तो परेशानी की बात नहीं है। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे मौसम अच्छा होता चला जाएगा, मतलब गर्म होता चला जाएगा, तो हमारे इसकी सारे जो है वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। और मैं आपको दिखाऊँ कि अब ये देखें, ये है ना, ये जो प्लांट है इसको निकाल के आप इस एस्पैरिगस फर्न वगैरह के इस तरह के, और यहाँ से इस पीछे से ये निकाल, अब मैं निकाल लूँगी, तो आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगाइए, तो इसमें बहुत प्यारे लगते हैं। नीचे जगह आपके पास ऊपर नीचे जगह नहीं है, तो आप इसको ऊपर लगा लीजिए, तो हैंगिंग बास्केट्स में भी एस्पैरिगस फर्न बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। और इनको आप समझिए बुशी करने के लिए इसके लीव्स को ऊपर से कट करना पड़ता है,
और जो इसकी जो ब्रांचेज जो ये सूख रहे हैं ना, आप जितना इनको हटाते रहेंगे ना, जो सूखी सूखी सी ब्रांचेज हैं, तो ये नई नई ब्रांचेज निकलती जाएंगी। अब चूंकि ये पीछे रखे हुए थे तो सामने, लेकिन इतनी इनकी केयर नहीं हुई, लेकिन चूंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो अब इसकी केयर होगी, तो फिर आप देखिएगा कि ये कितने अच्छे हो जाएंगे। और आप भी बस ये कीजिए, अब जल्दी से अपनी गर्मियों के जितने भी प्लांट्स हैं उनको निकालिए और उनको आप अब केयर कीजिए उनकी, इसलिए कि वो पीछे में रखे होंगे, यकीनन उनकी इतनी केयर नहीं होती है सर्दियों में, तो अब गर्मियों में उनकी आप फ़ौरन केयर कीजिए, तो फ़ौरन फिर आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।